आज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है। खास तौर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अभी लाइन पर हैं डॉक्टर आत्मा राम बंसल, जो कि सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं एंड इंचार्ज ऑफ एपिलेप्सी डिवीजन एट मेदांता द मेडिसिटी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। अभी जिस तरह से आज जैसे इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है और जिस तरह से लोग कई बारी इस तरह के जब सिम्टम्स आते हैं तो घबराते हैं, तो कितना घबराहट के साथ किसी चीज को इस चीज को फेस करना सही है या फिर सतर्क होकर उसका इलाज करवाना सही है ज्यादा? देखिए मैडम, एक्चुअली क्या है, जो एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा है ना, उसको अच्छी तरह समझा नहीं जाता है। लोग ना एकदम देखते ही डर जाते हैं, अरे ये कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया है या कुछ पागलपन तो नहीं है जी। मिर्गी का दौरा एक ब्रेन की करंट एक्स्ट्रा होने की वजह से कुछ देर के लिए एक्स्ट्रा मूवमेंट बॉडी में आ जाती है जी। और उसको आप घबराएं नहीं, थोड़ा सा उसको अगर आप साइड में कर दें, करवट लेटा दें, तो जो अंदर सलाइवा होता है वो फेफड़े में ना जाए और उसको फर्स्ट एड की तरह बचाया जा सकता है। ज्यादातर केस में एक दो मिनट में ठीक हो जाता है। सर, स्कूल में मैंने ये चीजें देखी कि साथ में जो लड़कियां हैं, हम लोग असेंबली में हैं, वो अचानक से गिर गई, तो क्या, मैंने तो जनरली ये बचपन में ही देखा है, तो ये किस एज से शुरू होता है? बचपन से ही शुरू होता है या किसी भी एज में हो सकता है? देखिए एपिलेप्सी यानी मिर्गी जो है किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है। जन्मजात बच्चे से लेके इवन 80-90 साल की उम्र तक कभी भी स्टार्ट हो सकता है। बच्चों में स्टार्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं, पर वृद्धावस्था में भी दोबारा एक्स्ट्रा चांसेस होते हैं होने के। और सर, क्या इसका ट्रीटमेंट जो है करने से ये बिल्कुल चला जाता है या ये रहता है बट कम हो जाता है? देखिए ट्रीटमेंट बहुत इजीली पॉसिबल है। आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स को हम एक सिंगल दवा से ठीक कर सकते हैं और 2-3 साल में दवा बंद भी कर सकते हैं। ओके, तो मतलब ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मिर्गी का दौरा आने का मतलब है एक मेडिकल कुछ प्रॉब्लम है जिसका इलाज संभव है, और उसको भूत प्रेत से ना जोड़ के अगर उसका मेडिकली ट्रीटमेंट किया जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। जी, ये देखिए कि अभी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, बैंकर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एपिलेप्सी है बट दे आर एबल टू डू इट। जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं। एक ही कंडीशन है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है और अपना काम करते रहना है। जी जी, थैंक यू सो मच सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू राजमोना। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ जुड़े डॉक्टर आत्माराम बंसल, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट एंड इंचार्ज ऑफ एपिलेप्सी डिवीजन एट मेदांता द मेडिसिटी, और आज हमने इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे पर हम उनसे खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि मिर्गी का जो दौरा है उससे घबराने की कितनी जरूरत है या फिर उसका इलाज किस तरह से संभव है।